अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान निसर्ग दोपहर करीब 1 बजे महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में समुद्र तट से टकरा गया। इलाके में करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इसे तट से गुजरने में करीब 3 घंटे का समय लगेगा। महाराष्ट्र के 21 और गुजरात के 16 जिलों में तूफान का असर है। वहीं मध्य प्रदेश के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी बीच महाराष्ट्र के बांद्रा वर्ली सी लीक पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। उधर गोवा के द्वारका में समुद्र में ऊंचा ज्वार उठा है। पहले यह तूफान गुजरात के तट से भी टकराने वाला था, लेकिन मौसम विभाग ने बाद में यह अनुमान वापस ले लिया। मुंबई महानगर पालिका ने लोगों को सलाह दी है कि भारी बारिश के दौरान वे घर के बाहर न निकले। कार से निकले तो उसमें हथौड़ी या कोई भारी औजार रखें, ताकि पानी में फंसकर कार का सेंट्रल लॉक जाम हो जाए तो कांच तोड़कर बाहर निकला जा सके। तूफान से पहले महाराष्ट्र के पालघर जिले में गांवों से 21,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। जिले के सभी उद्योगों और बाजारों को बंद कर दिया गया है। मछुआरों से 4 जून तक समुद्र में न जाने को कहा गया है। तूफान को देखते हुए पश्चिमी नौसेना कमान ने अपनी सभी टीमों को सतर्क कर दिया है। नौसेना ने 5 बाल टीम और 3 गोताखोर टीमों को मुंबई में तैयार रखा है। आखिर ये तूफान आया कहाँ से? 1 जून को अरब सागर के मध्य पश्चिम तटीय क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बना, जो चक्रवात में बदल गया। तब यह कम दबाव वाला क्षेत्र मुंबई से 630 किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में था। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग इलाके में बुधवार दोपहर 1 बजे टकराना शुरू हुआ। यहाँ से गुजरने में 3 घंटे लगेंगे। चलिए जानते हैं इस तूफान से क्या असर होगा। तूफान के असर से मुंबई और गोवा में बारिश हो रही है। बुधवार को मुंबई में 27 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होने का अनुमान है। समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं। तूफान की आशंका वाले जिलों में बिजली पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। दक्षिण गुजरात के वलसाड, नवसारी, सूरत के अलावा दमन, दादरा और नगर हवेली में भी भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर सभी के साथ कुछ जिलों और शहरों में भी भारी बारिश के आसार हैं। आपको बताते हैं कि इस तूफान का नाम निसर्ग किसने रखा है। इस तूफान का निसर्ग नाम बांग्लादेश ने दिया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तूफान के नाम बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड तय करते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अप्रैल 2020 में चक्रवातों की नई सूची जारी की थी। इसमें निसर्ग, अर्णब, आग, व्योम, अजार, तेज गति, पिंकू और लुलू जैसे 160 नाम शामिल हैं। पिछली लिस्ट की आखिरी नाम अम्फान था। यह नाम थाईलैंड ने दिया था। केंद्र और राज्यों में क्या तैयारियां हैं? महाराष्ट्र में 21 और गुजरात में 22 टीमें एनडीआरएफ की तैनात की गई हैं। नौसेना ने मुंबई में 5 फ्लड रेस्क्यू टीम और 3 गोताखोर टीम तैनात की है। दोनों राज्यों में 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। दोनों राज्यों के 11 जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNX TV, रायपुर।